हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, कार्डिगन, लेडीज जैकेट, स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। ये डिज़ाइन जस्ट 6 रोज़ का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 1 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। इसमें मैंने 3 मल्टीपल करके 15 प्लस 1 कर लिया है, टोटल 16 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ स्लिप पैटर्न स्टार्ट करना है। अब ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, पीछे की फंदा को आगे लाना है और आगे की फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा ऐसे सीधा बुनना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे। अब ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, इस फंदा को ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर से वही रिपीट करना है, 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, अब इस फंदा को ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ तक 4 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। फिर से वही रिपीट करना है, धागा पीछे। अब 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है इस तरह से। अब इस फंदा को ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है। अब लास्ट का एक फंदा सीधा, फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे। अब ये 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है। अब इस फंदा को ऐसे बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये 3 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, धागा पीछे, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, पीछे के फंदा को आगे लाना है, आगे के फंदा को पीछे। अब इस फंदा को ऐसे बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ तक 2 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। धागा पीछे, फिर से वही रिपीट करना है, 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है। अब एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। फिर से वही रिपीट करना है, 2 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है। अब एक फंदा ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ से यहाँ तक 4 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
फोर रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। और फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे करना है। अब ये दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, फिर एक फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, धागा पीछे, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, दो फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है। अब इस फंदा को ऐसे स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, धागा आगे एक फंदा उल्टा। यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, धागा पीछे, फिर से वही रिपीट करना है। अब इस फंदा को ऐसे स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से वही रिपीट करना है, दो फंदा को ट्विस्ट करना है, फिर इस फंदा को ऐसे स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। यहाँ ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक चार डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का दो फंदा सीधा, एक दो। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट सिक्स रोज का है, सिक्स रोज में ऐसा डिजाइन बन के आएगा। अब फिर से रो वन से सिक्स तक रिपीट करके जाना है। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।